Hello everyone, welcome to Mom's Cuisine. I'm Sapna Jain, healthy cooking expert, bringing you healthy recipes in the most delicious way. Friends, आज की हमारी रेसिपी है हेल्दी ओट्स केक. इसको हम ओट्स, व्हीट फ्लावर और जैगरी के साथ बनाएंगे. इसमें नो मैदा, नो शुगर एंड नो रिफाइंड ऑयल. तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी. इसके लिए हमें चाहिए हाफ कप ओट फ्लावर, जिसको कि ओट्स, नॉर्मल ओट्स जो कि मार्केट में मिलते हैं, उसको हमने मिक्सी में पीस लिया है और एकदम आटे जैसा बना लिया है. लाइक दिस इट्स अ ओट्स फ्लावर. फिर हम लेंगे हाफ कप व्हीट फ्लावर, 3/4 कप जैगरी पाउडर. जैगरी पाउडर मार्केट में अवेलेबल है. इसको भी हम थोड़ा सा छन्नी से छान के एकदम पाउडर जैसा ले लेंगे, यदि उसमें दाने जैसा है तो. ये जैगरी पाउडर, ये मेजरिंग कप से, इसके हिसाब से ही आप मेजर करके लेंगे सब चीजें. तो 3/4 कप हमने जैगरी पाउडर लिया है. देन 3 टेबल स्पून डेसिकेटेड कोकोनट, दैट इज गोले का बुरादा. 3 टेबल स्पून ड्राई फ्रूट्स, चॉप ड्राई फ्रूट्स. इसमें मैंने पिस्ता और आलमंड्स लिए हैं. आप कोई और भी अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो. बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा. 1/4 कप हमने लिए घर के दूध की मलाई. आप इसकी जगह बाजार का, इसका अमूल का फ्रेश क्रीम भी ले सकते हो और घर की मलाई भी. देन 1/2 कप हमने मिल्क लिया है और 1 टीस्पून हमने लिया है वनीला एसेंस. तो आइए शुरू करते हैं. इसके लिए हमने 1/2 कप ओट्स फ्लावर, 1/2 कप व्हीट फ्लावर, 3/4 कप जैगरी पाउडर, 3 टेबलस्पून डेसिकेटेड कोकोनट. ये सब मिक्स कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, दोनों ही डाल लिए. पहले हम डालेंगे बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून. 1 टीस्पून कट फिंगर करके लेंगे और 2 चुटकी हमें डालना है बेकिंग सोडा. ओनली 2 पिंच, 1 पिंच एंड 2 पिंच. सारे ऑल ड्राई इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे. इसको बार बार, दो बार छानना या वो करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ हम इसे मिक्स करेंगे. बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी, सुपर हेल्दी केक बनता है और बहुत ही यम्मी भी. फिर हम इसमें डालेंगे 1/4 कप हमारी घर की मलाई. एंड मिल्क, 1/2 कप मिल्क लिया है, थोड़ा थोड़ा करके ही मिलाएंगे. कोई भी कलर, प्रिजर्वेटिव, कुछ भी इसमें डालने की जरूरत नहीं है. ये केक बच्चों को भी बहुत पसंद आता है. फिर थोड़ा और मिल्क डाल लेंगे. बहुत लिक्विड बैटर नहीं बनाना है और बहुत हार्ड भी नहीं. अबाउट 1/2 कप मिल्क इसमें पूरा ही चला गया है. ये देखो, एकदम क्विक 2 मिनट में बनने वाला हमारा बैटर रेडी हो गया है. अब हम इसे मोल्ड में डालेंगे. ये 6 इंच का मोल्ड है, कन्वेक्शन मोड में मैं इसको रख रही हूँ. आप ओवन में भी बना सकते हो. ओवन में 150 डिग्री पर 15 से 20 मिनट और कन्वेक्शन मोड पे 180 डिग्री पे 15 से 20 मिनट. पहले ओवन को और माइक्रोवेव को प्रीहीट करना जरूरी है और 1 टीस्पून हम इसमें वनीला एसेंस डालेंगे. हाँ,
सिर्फ हम इस मोल्ड को बटर से ग्रीस कर लेंगे और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें इसको हल्का सा बटर से ग्रीस करना है। अच्छे से बटर से ग्रीस कर लेंगे, इस साइज का केक इसमें बहुत एकदम फिट बनेगा। देन हम अपना बैटर डालेंगे। इसको अच्छे से टैप करना है। देन ये हमारे ड्राई फ्रूट्स इसमें अच्छे से ऊपर से डाल देंगे, थोड़े ड्राई फ्रूट अंदर भी डालेंगे। और अब हम इसको रख देते हैं अपने माइक्रोवेव में बेक होने के लिए। फ्रेंड्स 20 मिनट हो गए हैं, कम से कम 20 मिनट तो इसको लगेंगे आपको केक को बनने में, ऊपर भी 2-3 मिनट लग सकते हैं। आप उसके बाद ही देखना, देखिए किस तरीके से पूरा बढ़िया बेक हो गया है हमारा केक। इसको हमने इसमें पिक करके देखेंगे कोई स्टिक तो ये एकदम ड्राई आ रहा है, इसका मतलब ये रेडी है। साइड से भी आप देख रहे हो एकदम इसने किनारे छोड़ दिए हैं। ये बहुत बढ़िया केक हमारा रेडी हो गया है। आप इसको 5 मिनट रख के ही डीमोल्ड करना, मैं अभी थोड़ा कर रही हूँ, 5 मिनट बाद 5-7 मिनट बाद ही इसको डीमोल्ड करना। ये देखो किनारे पे से इसको इस तरीके से ये देखो कितना बढ़िया स्पंज आया है, एकदम सॉफ्ट केक है। ये देखो कट करके भी मैं दिखाती हूँ आपको, ये गर्म की वजह से थोड़ा सा अभी टूट रहा है लेकिन एकदम बहुत सॉफ्ट है। ये केक गरम गरम खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। आप देखो स्पॉन्ज देखो आप इसका, तो फ्रेंड्स ये आप हमारा हेल्दी ओट केक जरूर ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और इसी तरीके की नई रेसिपीज के लिए मम्स कुजीन यूट्यूब चैनल को, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और हमारी इसकी मम्स कुजीन की बहुत सारी इनोवेटिव वर्कशॉप्स भी हैं जो कि मेरे फेसबुक पेज पे आपको मिल जाएंगी, और फेसबुक पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो थैंक यू एंड लव यू ऑल।